स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था माय हेवन का हिंदी एक्सप्लेनेशन और आपको समझ में आया होगा आई होप, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो वी विल गो फॉरवर्ड कि आज हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया मैंने आपको कई बार बताया कि ये 7 नंबर का आएगा, तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 7 नंबर तो जाने ही दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है अपने शब्दों में लिखने की, कोई कॉपी कहीं से नहीं होनी चाहिए। बस देखिए, जो आप लिखेंगे, जो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, वो सबसे यूनिक होगा, वो सबसे अलग होगा, और जो सबसे अलग होते हैं वही टॉप करते हैं। सबके जैसे दिखने वाले, सबके जैसे लिखने वाले नहीं टॉप करते। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे अगर आपको टॉप करना है, तो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं तब। माय हेवन सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में कि हिंदी एक्सप्लेनेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां पर रंग, जाति, भेद, धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़े ना, शिक्षा एकदम फ्री हो, मुफ्त हो, और हर व्यक्ति निडर होकर अपने जीवन को जीता हो। ऐसी कई क्वालिटीज ये देखना चाहते हैं अपने देश यानी अपने भारत देश में। तो आज उसी को हम लोग सेंट्रल आइडिया में रखेंगे। सबसे पहले लाइन यही होनी चाहिए इसमें, या सबसे पहले लाइन हो क्या सकती है, हम लोगों को यही सोचना है, यही देखना है, ठीक है, कि दिस पोयम इज वेरी इंस्पायरिंग। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए, हम लोग इसको कि माई हेवन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, माई हेवन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। अब ये यहां पर इसको लिख सकते हैं कि इज एन इंस्पायरिंग पोयम, कि ये जो माई हेवन नाम की जो पोयम है ये इंस्पायरिंग यानी प्रोत्साहित, इंस्पायर करने वाली पोयम है। किस चीज के बारे में इंस्पायर करती है, या किस चीज के बारे में ये यहां पर इस पूरी पोयम में फोर्स किया गया है कि भारत वो जो एक आदर्श देश का सपना देखते हैं, एक आइडियल कंट्री का सपना देखते हैं, उस आइडियल कंट्री में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और क्योंकि ये भारत के रहने वाले थे, तो इनका सीधा सा मोटिव है कि उस आइडियल कंट्री यानी जो इनका देश भारत है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो माई हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोयम, ठीक है। अब यहां पर है कि इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर कहना क्या चाहते हैं। इन दिस पोयम द पोएट गिव्स ऑफ एन आइडियल कंट्री, इन दिस पोयम द पोएट गिव्स ऑफ अ पिक्चर, यहां पर अगर लिखा जाए ऑफ ए, इसको रफ करके ऑफ ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, एन आइडियल कंट्री। यानी यहां पर इस पोयम में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक आदर्श देश की एक पिक्चर को शो करते हैं, या वो एक कल्पना करते हैं कि एक आदर्श देश कैसा होना चाहिए। तो यहां पर एग्जैक्टली बात हो रही है आइडियल कंट्री, यहां पर मैं ब्रैकेट में अगर इंडिया लिख दू तो समझ में और आ जाएगा। अब ये फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं ये, और ये जो है इंडिया। और इसके बाद ये लिख सकते हैं कि इट इज द ड्रीम ऑफ द पोएट। और यही उस पोएट यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, ड्रीम है, सपना है, कि वो एक ऐसा आइडियल कंट्री चाहते हैं जिसमें ये इंस्पायरिंग चीजें हैं।
एक बार फिर से पूरी पोएम पढ़ते हैं, पूरा टोटल आइडिया कि माई हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोएम। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स ऑफ अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं। इट इज द ड्रीम ऑफ द पोएट, ये पोएट का ड्रीम है कि वो जो भारत देश है या जो आइडियल कंट्री है वो कैसी हो, इंडिया हो या इंडिया के जैसे, जितने भी देश हैं या जितने भी विश्व में देश है वो सब इंडिया के जैसा बनना चाहे। उसके अलावा ही प्रेज टू गॉड, ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो ही प्रेज टू गॉड, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ही प्रेज टू गॉड दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके देश के लोग क्या हो, फियरलेस हो, यानी निडर हो, है ना। वैसे ही पहली लाइन थी कि वेयर द माइंड विदाउट फियर, तो ही प्रेज टू गॉड दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी ऑफ हिज कंट्री फियरलेस एंड ब्रेव। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा, द पोएट ऑफ हिज कंट्री, द पीपल ऑफ हिज कंट्री फियरलेस एंड ब्रेव। यहां पर एक कंडीशन और कर सकते हैं हम लोग, क्या सबसे बड़ी बात कि यहां पर आप इसको सलाह के रूप में भी रख सकते हैं कि द पीपल ऑफ दिस ऑफ हिज कंट्री शुड बी, यहां पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा है कि वेयर नॉलेज इज फ्री, तो नॉलेज यहां पर लिख सकते हैं कि नॉलेज शुड बी फ्री, नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, ऐसे कर सकते हैं, ऑल इन द कंट्री, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा कि माई हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोयम। इन दिस पोयम द पोएट गिव्स ऑफ अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, जिस और आइडियल कंट्री क्या है, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं वो। इट इज द ड्रीम ऑफ द पोएट, ये पोएट का एक सपना है, और ही प्रेज टू गॉड दैट, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, यानी ज्ञान पूरी तरह से, शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए उस देश में, किस देश में, जैसा वो सपना देखते हैं जिस देश का, यानी उस देश का क्या नाम है, इंडिया नाम है ना। उसके बाद है देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन, देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन माने होता है संकुचित विचार, छोटी सोच वाले लोग ना, या जो उनके देश में लोग रहें वो छोटी सोच को ना रखें, यानी बड़ा सोचे, बड़ा करने की कोशिश करें या आत्मनिर्भर बने। तो देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन, वहां पर क्या ना हो, संकुचित विचार ना हो, संकुचित चीजें ना हो। और किस चीज को संकुचित बोला जा रहा है, तो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, और कलर, यानी जहां पर रंग, जाति, धर्म, भेद को देखकर जो वहां के लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो, यानी इन सब चीजों को देखकर कंसिडरेशन ना हो, संकुचित विचार ना हो, एक दूसरे में नफरत ना हो इन सब चीजों के लिए कि भाई ये अलग कास्ट का है तो इसको अलग बैठाओ, ये अलग जाति का है तो इसको अलग बैठाओ, ये अलग धर्म का है, अलग इसकी भाषा है, तो रंग, जाति, भाषा, धर्म, इन सब के आधार पर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, यानी जो विचार हो वो बड़े होने चाहिए,
छोटे विचार नहीं होने चाहिए कि अरे ये भगाओ इसको, ये छोटी जाति का है, इसका धर्म अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनका जो ये ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। और अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, एक आदर्श देश बनाने के लिए, और कौन सा देश आदर्श है, किस देश को आदर्श बनाना चाहते हैं, तो इंडिया। तो इंडिया देश को आदर्श बनाने के लिए ये कुछ कंडीशन बता रहे हैं कि वहां के लोग फियरलेस हो, ब्रेव हो, नॉलेज फ्री हो, और ऐसे वहां के लोग रंग जाति धर्म के आधार पर लड़े भिड़े ना, या उनकी जो सोच है वो संकुचित ना हो, यानी छोटी ना हो, बड़ी हो। उसके बाद है द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन। यहां पर लिख सकते हैं कि द पीपल शुड बी गाइडेड बाई रीजन, यानी जो लोग हैं, जो यहां के लोग हैं, वो तर्क के साथ आगे बढ़े या तर्क को अपने साथ रखें, यानी कोई भी ऐसी बातें ना करें जो जिसमें लॉजिक ही ना हो। यानी यहां के लोग कैसे हो, लॉजिकल हो, ना कि एंड नॉट बाई ब्लाइंड बिलीफ। यानी यहां के लोग तर्क रखें अपने साथ, लॉजिक के साथ काम करें, ना कि अंधविश्वास में, ब्लाइंड बिलीफ यानी अंधविश्वास में, कि हाँ ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, ये ऐसा है जो, मतलब जो लोग रूढ़िवादी ना हो, ऐसा कहने का मतलब है कि जो पुरानी सोच ना रखे हो, यानी लोग समय के साथ अपनी सोच बदलते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी चाहते हैं कि ये जो एक आइडल कंट्री का सपना देख रहे हैं, वहां के लोगों में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लॉजिकल हो, यानी जैसी जैसी कंडीशन परिस्थितियां बदलती जाए वो अपने आप को बदलते जाए। ऐसा ना हो कि भाई जो पुरानी चीजें चल रही हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये सब परंपराएं जो चल रही हैं, उनको बदलना ही नहीं है, बस उसी के साथ आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कहा इन्होंने कि द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन, रीजन मीन्स तर्क। तो यहां पर लोगों को रीजन या तर्क के साथ गाइडेड होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास या बंद आंखों से आगे बढ़ना चाहिए। बंद आंखों का मतलब रूढ़िवादी, यानी पुरानी सोच विचार और पुरानी धाराओं के साथ। उसके आगे है दे शुड बी, यहां पर लिख सकते हैं कि दे शुड बी प्रोग्रेसिव। उन्हें क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी हमेशा कार्यरत होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम जो है मोदी जी अब 1,000 रुपए देने ही लगे हैं महीने में तो क्या होगा। वैसे उसे 1,000 का एक बार मैंने एक व्हाट्सएप पे पढ़ा, बड़ा अच्छा उसका मजा उड़ाया गया, और अच्छा भी था, वो सही बातें भी थी कि मैंने चावल भी खरीद लिया है, राशन कार्ड भी बनवा लिया है, पेट्रोल भी डलवा लिया है, और बहुत सारे मजेदार वो किस्सा था, ठीक है। तो यार मैंने कहने का मतलब है कि लोगों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हम लोग चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं 2028 में, नंबर एक पे आ जाएंगे, लेकिन किस मामले में, जनसंख्या बढ़ोतरी के मामले में, मतलब हद है, आगे बढ़ भी रहे तो किसमें, जनसंख्या बढ़ोतरी में। खैर लोग यहां मेहनती जरूर है लोग यहां भी मेहनती जरूर है, लेकिन वहां के लोग, चाइना के लोग हर एक चीज में नंबर एक पर क्यों है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है, वो आत्मनिर्भर है, प्रोग्रेसिव है। और सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या लेने के बाद भी आज की डेट में हर एक चीज में वो आगे है, किसी भी चीज में देख लीजिए वो आगे है। एंड वी वॉन्ट टू बी एज लाइक देम, सो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, अदरवाइज वी आर जस्ट वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, इट शुड बी कंटिन्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो दे शुड बी प्रोग्रेसिव। उसके बाद है दे शुड ट्राई टू, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, टू कीप कंट्री यूनाइटेड। और लोगों को, या जो भारत, जो एक आदर्श देश का सपना जो देख रहे हैं, वहां के लोगों को
एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एकता रखनी चाहिए। ये नहीं कि बगल वाला कार ले आया है तो कैसे लाया, कहां से पैसा आया, माने आप उसके एक एक चीज को निकाल लेंगे तो ये इसको जेलस कहते हैं, ये एकता हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई लाया है तो हमारी भी कभी हेल्प हो जाएगी। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग फोन करते हैं, नंबर डायल करते हो लाइट बन जाती है। चाइना जापान में लाइट जाती है तो लोग तुरंत एक जो है ईमेल पे पोस्ट कर देते हो लाइट बन जाती है। लेकिन भारत में लाइट जाती है और अपने यहां गई, दूसरे के यहां नहीं गई तो अरे बाप रे कैसे उसके यहां है, ऐसे कैसे हो सकता है, साला हमारी लाइट चली गई उसकी क्यों नहीं गई। झांकेंगे ताकेंगे खूब मनाएंगे कि चली जाए इसकी भी तो अच्छी रहे, अच्छा हो जाए। अरे भाई उसने बिल भरा होगा, आपने नहीं भरा इसलिए आपकी चली गई लाइट, कट गई लाइट। यानी कहने का मतलब है कि हमें जेलस नहीं होना चाहिए, हमें यूनाइटेड होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार की कुछ चीजों को उन्होंने कहा और उसके बाद है दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम। और यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो रहा है लेकिन मैं इसके आगे यहाँ पर लिखे दे रहा हूं एक लाइन ऊपर की मिटा के, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लें। अब मैं यहाँ पर दो लाइन मिटा रहा हूं फिर उसके बाद मैं आगे लिख देता हूं कि दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम और स्वतंत्रता का आशीर्वाद भी उन्हें मिलना चाहिए, या भगवान उन्हें स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे या भगवान उनके साथ हो, भगवान पूरी तरह से ये सारी चीजें उनके साथ रखे। तो यहां पर कहने का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है कि जो देश है भारत या उनका जो सपना है, वो जो एक आइडल कंट्री की पिक्चर देख रहे हैं यानी भारत के बारे में जो वो सोच रहे हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो लोग वहां पर फियरलेस हो, ब्रेव हो, नॉलेज फ्री हो, लोग एक दूसरे से क्या करें बंद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहें, और ये जो नैरो कंसिडरेशन है यानी ये जो जाति रंग धर्म भेद के आधार पर बटे जा रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें ना हो और लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिले कि वो स्वतंत्र रहे अपने काम को करने में और पूरी तरह से एकता बनाए रखें। और अगर ऐसा है, ये एक देश में ऐसा मिलता है होता है तो इसका मतलब है कि वो देश क्या है, बहुत प्रोग्रेसिव होगा, आगे बहुत जाएगा और इतना दूर तक जाएगा कि कोई सोच नहीं सकता है। तो इस वजह से ऐसा है। उसके अलावा मैं आपसे कल इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसको भी पूरा कर दूंगा। और इस समय मैं आई एम सॉरी कि मैं लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूं मेरे बच्चों, क्योंकि अपना वॉच टाइम पूरा होने वाला है, 3994 हो गया, 4000 रिक्वायर होता है। आप सभी लोगों के सहयोग, सभी लोगों की हेल्प से, सभी लोगों के प्यार से वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है और जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस वो जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ शेयर होता है मेरा यानी व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला जो ऑप्शन होता है वो मेरा 83% हो गया था, जो बहुत ज्यादा था। हो सकता है कि यूट्यूब उसको मोनेटाइज करने में प्रॉब्लम कर दे या रिव्यू में डाल दे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन टेलीग्राम पर चैनल है उस पर मैंने शेयर नहीं करता था लेकिन अब करने लगा हूं, तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाए आप, जिसका नाम है विनर्स अकेडमी प्रयागराज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, नंबर मेरा यही है। और इसी नंबर पर 6386471551 इसी नंबर से मैं टेलीग्राम चला रहा हूं, इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप चल रहा है और इसी नंबर से मैं कॉल भी पिकअप करता हूं। ठीक है, और आप लोगों का सहयोग बना रहा तो बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और प्लीज आप लोग इस तरह प्यार देते रहें, प्यार करते रहें, मैं बहुत आप लोगों को चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं डेली, फिर मैं चाहे जिस कंडीशन में हूं, चाहे बीमार हूं, आज भी थोड़ा सा मुझे जुखाम है लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे 7 बजे मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। तो आज के लिए इतना बाबू, फिर आगे चल के बात करते हैं, कल देखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आज के लिए थैंक यू।